हेलो फ्रेंड्स। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है जो आईटीजी 2011 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो विथ अल्फा ग्रेटर देन बीटा इफ ए एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन देन द वैल्यू ऑफ ए टेन माइनस टू ए एट अपॉन टू ए एन नाइन इज। ऑप्शन से ए वन, बी टू, सी थ्री और डी फोर। तो इसको करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो के रूट्स है हमारे पास अल्फा और बीटा। अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स है मतलब इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस सिक्स अल्फा माइनस टू इक्वल टू जीरो और बीटा स्क्वायर माइनस सिक्स बीटा माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब एन क्या डिफाइन है? अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। ए 10 क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी, अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। ठीक है। तो ए 10 क्या हो जाएगा? अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। ए 9 क्या हो जाएगा? सेम है, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। एट क्या हो जाएगा? अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है उसको देख लेते हैं। हमें वैल्यू निकालनी है ए 10 माइनस टू ए 8 अपॉन टू ए 9। अब ए 10 की वैल्यू रख देते हैं अल्फा और बीटा की टर्म में। तो ए 10 क्या हो जाएगा? अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस टू टाइम्स ए 8 की वैल्यू क्या होगी? अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8। ठीक है। अपॉन टू टाइम्स अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। ठीक है। अब एक चीज, अब अल्फा वाले जो टर्म है उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? अल्फा की पावर 10 माइनस टू अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 10 प्लस हो जाएगा टू टाइम्स बीटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय टू टाइम्स अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अब देखो, इसमें से अल्फा की पावर 8 कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारा? अल्फा की पावर 8 अल्फा स्क्वायर माइनस टू माइनस बीटा की पावर 8 कॉमन निकालेंगे यहां से तो क्या बनेगा? बीटा स्क्वायर माइनस टू डिवाइडेड बाय टू टाइम्स अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अब यहां से बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि देखो आप अल्फा स्क्वायर माइनस टू की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा स्क्वायर माइनस टू यहां से कितना होगा? सिक्स अल्फा हो जाएगा, सेम है। बीटा स्क्वायर माइनस टू यहां से कितना हो जाएगा? सिक्स बीटा हो जाएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा की पावर 8 इंटू सिक्स अल्फा माइनस बीटा की पावर 8 इंटू सिक्स बीटा अपॉन टू टाइम्स अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। ये क्या बन जाएगा? ऊपर सिक्स अल्फा की पावर 9 माइनस सिक्स बीटा की पावर 9 डिवाइडेड बाई टू टाइम्स अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। ऊपर से सिक्स कॉमन लेंगे तो अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 डिवाइडेड बाई टू टाइम्स अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अब ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सिक्स अपॉन टू, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? थ्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थ्री। थैंक यू।